श्री केदारनाथ धाम हिंदू धर्म की पवित्र तीर्थ नगरी हिमालय की गोद में मंदाकिनी और सरस्वती के संगम पर स्थित है। वर्ष 2013 में आई भयावह आपदा से इस तीर्थ नगरी को भारी तबाही का सामना करना पड़ा। ये दृश्य 19वीं सदी का है, जब मंदिर का गरिमामय रूप दूर से ही दर्शित होता था। इसके पीछे की ऊंची बर्फीली पहाड़ियां दृश्य की भव्यता को और बढ़ाती थी। फिर धीरे धीरे इसके चारों ओर अनियोजित इमारतें बन गई और मंदिर मानो कहीं छिप सा गया। वर्ष 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं श्री केदारनाथ धाम आए एवं धाम के आध्यात्मिक गौरव और दिव्य स्वरूप को पुनः स्थापित करने के लिए श्री केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण योजना की परिकल्पना की। यहाँ की रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुसार ही इसका पुनर्निर्माण किया जाए, उसमें आधुनिकता होगी लेकिन उसकी आत्मा वही होगी जो सदियों से केदार की धरती ने अपने आप भीतर संजोए रखा हुआ है, ऐसा पुनर्निर्माण करने की दिशा में इसका काम होगा। इस परिकल्पना के आधार पर सभी हितधारकों की भागीदारी से पर्यावरणीय संतुलन बनाते हुए एक महायोजना तैयार की गई थी। गौरीकुंड से 16 किलोमीटर दूर पैदल मार्ग पर स्थित धाम में इस पैमाने की परियोजना को क्रियान्वित करना, इसके लिए निर्माण सामग्री जुटाना, दुश्वार मौसम और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच एक बड़ी चुनौती थी। मंदिर तक पहुंच मार्ग का निर्माण पहले कार्य के रूप में लिया गया। आपदा से पहले मंदिर परिसर में 10 फीट संकरे गलियारे में स्थित कई भवन क्षतिग्रस्त हो गए थे और 30,000 टन मलबा चारों ओर फैल गया था। इस मलबे को 840 फीट सीढ़ीदार मंदिर गलियारे के रूप में विकसित किया गया। इसका निर्माण क्षेत्रीय कारीगरों द्वारा 20,000 स्थानीय उपलब्ध पत्थरों का उपयोग करके किया गया। दो नदियों के संगम पर स्थित इस 104 फीट व्यास वाले आगमन प्लाजा का निर्माण वृत्ताकार रूप में 51,000 स्थानीय पत्थरों का उपयोग करके किया गया है। वहीं मंदिर प्लाजा का निर्माण 4,340 वर्ग मीटर क्षेत्र में 15,200 स्थानीय पत्थरों से किया गया है। बाढ़ से सरस्वती और मंदाकिनी नदी के किनारों के साथ बह गई भूमि के पुनर्ग्रहण तथा बहुस्तरीय बाढ़ सुरक्षा कर मंदिर परिसर को एक द्वीप के रूप में बहाल करने के लिए दोनों नदियों पर बाढ़ सुरक्षा दीवारों का निर्माण कार्य किया गया। आपदा से क्षतिग्रस्त हो गए तीर्थ पुरोहितों के आवासों के पुनर्निर्माण का कार्य चौथे कार्य के रूप में लिया गया। चरणबद्ध तरीके से तीर्थ पुरोहितों के घरों का निर्माण स्थानीय पत्थर, लकड़ी और ढलवा छत उपयोग कर स्थानीय स्थापत्य शैली द्वारा किया जा रहा है। पांचवें कार्य के रूप में आपदा से क्षतिग्रस्त श्री आदि गुरु शंकराचार्य समाधि के पुनर्निर्माण को लिया गया। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। समाधि तक पहुंचने के लिए ये भूमिगत रचना जिसमें स्मारकीय दीवारों के बीच चलकर जाना तीर्थयात्रियों को एक अनूठी यात्रा का अनुभव प्रदान करता है। मूर्ति के दर्शन कर चिंतन पथ पर चलते हुए ये यात्रा पर्वतों और विहंगम दृश्यों के दर्शन के साथ समाप्त होती है। इन पांच कार्यों का लोकार्पण आज किया जा रहा है। इसी के साथ
लगभग 185 करोड़ की लागत से निर्मित हो रहे विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख है मंदाकिनी एवं सरस्वती नदियों के तट पर स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों को सुगम करने हेतु विशाल संगम घाट का निर्माण, धाम में यात्रियों के सुविधार्थ यात्री सुविधा केंद्र, रेन शेल्टर, जलपान गृह आदि का निर्माण, कुशल तीर्थ क्षेत्र प्रबंधन हेतु पुलिस स्टेशन एवं कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का निर्माण, किसी भी अप्रिय घटना एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों में यात्रियों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक अत्याधुनिक चिकित्सालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें आपातकालीन सेवाएं, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू आदि की सुविधा होंगी। ये निर्माण योजना मात्र भौतिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर नहीं, वरन इस स्थल की लौकिक व तीर्थ यात्रियों की आंतरिक ऊर्जा को पुनः जागृत करने का एक प्रयास है।